लॉकडाउन के बाद अनलॉक में मिली छूट के बाद हाईवे पर फिर से गोवंश तस्करी शुरू हो गई है। शनिवार सुबह 4 बजे मुखबिर की सूचना पर विजयसन चौकी पुलिस ने गोवंश से भरा पिकअप पकड़ा है। चालक फरार हो गया है। पिकअप में कुल 7 गोवंश है, जिसमें 7 गाय को छुड़वाकर विजयसन मंदिर गौशाला रखवाया गया। अज्ञात चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। विजयसन चौकी ASI संजय शर्मा ने बताया कि मुखबिर सूचना मिली कि पिकअप वाहन जिसके ऊपर खाली कैरेट और नीचे गोवंश भरे थे विजयसन चौकी की ओर जा रही थी, तो पुलिस द्वारा तत्काल चौकी के सामने नाकाबंदी की गई। काफी देर तक पिकअप वाहन नहीं आने पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि पिकअप ग्राम गावड़ी के पेट्रोल पंप के पास से लावारिस अवस्था में खड़ी है। तब तत्काल चौकी बल लेकर गवाड़ी पहुंचे तो पिकअप लावारिस खड़ी थी। चालक फरार था। जैसे चेक किया गया तो पीले तिरपाल के नीचे डबल पार्टीशन के ऊपर खाली कैरेट और हरा चारा भरा था, नीचे गोवंश भरे मिले। विजयसन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। सर, गायों से वही पिकअप पकड़ी सर, क्या मामला है? कल रात को मुखबिर सूचना मिली थी, एक पिकअप जिसका नंबर MP 43G 99 है, जिसमें फलफुट के कैरेट के बीच में गायों को निर्दयता से बांधकर महाराष्ट्र वध हेतु ले जाया जा रहा है, जिसको मुखबिर सूचना पर अरनेजा पेट्रोल पंप एबी रोड गवाड़ी से पकड़ा है, जो पुलिस के पहुंचने के पहले आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। सर, 7 लाख गाय है। आगे कार्य आरोपी की तलाश की जाकर गिरफ्तारी की जाएगी। गाय सुरक्षा विजयसन नर्मदा गौशाला में रखा गया है, विजयसन मंदिर के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।